बीते दिन SC ST न्यायालय में अधिवक्ता पर दबंग द्वारा पिस्टल तानने के मामले के बाद जगा पुलिस प्रशासन। पेशकार ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दी तहरीर। घटना के बाद मौके पर जिलाधिकारी SP सहित भारी पुलिस फोर्स पहुंचा था लखनऊ। न्यायालय परिसर में हुए जीवा हत्याकांड के बाद पुलिस को शासन ने दिए थे सुरक्षा के सख्त निर्देश। पुलिस की लापरवाही से न्यायालय में हो सकती थी बड़ी घटना। बीते दिन SC ST न्यायालय के अंदर अधिवक्ता पर पिस्टल तानने की घटना के बाद जागा पुलिस प्रशासन। आज न्यायालय परिसर के चारों तरफ गेटों पर लगाया गया भारी पुलिस फोर्स। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संभाली कमान। बगैर तलाशी व जांच के नहीं प्रवेश कर सकेंगे वकील व वादकारी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित न्यायालय परिसर का मामला। पीछे से निकल गए। इस दौरान जैसे आप लाइफ के लिए ढाई सौ घटना हुई तो जैसे आप उसके दौरान चले गए उसके बाद उठ के चले गए कितने लोग थे? पाँच छह लोग थे। ये पुलिस ने इनको छोड़ा उनको हियरिंग के दौरान हुआ सारा घटना जी। हियरिंग हो रही थी। हाँ हियरिंग हो रही थी। कल भोपाल के बाद आज पूरी कचहरी में फोर्स तैनात किया गया, किस तरीके की सर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? देखिए चेकिंग अभियान रूटीन चेकिंग अभियान है और आज की पहला दिन था कल के बाद, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, लेकिन ये लगातार चलती रहेगी। सप्लाई चेकिंग भी होगी, इसमें कुछ निर्णय भी लिया गया है, वो निर्णय बाद में आपको अवगत कराया जाएगा। और जो भी हैं, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे या जो भी असामाजिक तत्व होंगे उनके खिलाफ मीमांसा कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। उपल नर्सिंग होम जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।